गाइज, मेरा नाम है विकास और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेकटीआरवी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, हम लोग करने वाले अनबॉक्सिंग एक एक्शन कैमरे का, जो कि है GoPro Hero 7 Black। सो दोस्तों, वैसे तो ये एक एक्शन कैमरा है और काफी यूजफुल है व्लॉगिंग्स और एक्शन चीजें को रिकॉर्ड करने के लिए, जिसमें आप लोग फास्ट मोड एंड स्लो मोशन एंड काफी चीजें हैं जो कि आप इसमें ले सकते हो वीडियो शूट और रिकॉर्डिंग के टाइम। वैसे तो ये GoPro Hero Black जो है मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है एज अ स्पेशल बंडल, वो भी फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे से है। और एक बात आपको बता दूं, इसमें काफी चीजें मेरे को मिली है, काफी एसेसरीज मिली है, तो इस वीडियो में मैं उसका अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको इसी के साथ इसका रिव्यू दूंगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हो इस चैनल पे तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना कि ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे न्यू वीडियोस के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द अनबॉक्सिंग। वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं GoPro Hero 7 Black का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक स्पेशल बंडल है और मैंने इसे परचेस किया फ्लिपकार्ट से। दोस्तों, इसमें हम लोग को काफ़ी एक अच्छा फीचर मिलता है जो कि हाइपर स्मूथ, और इसमें काफ़ी अच्छा स्टेबलाइजेशन भी होता है। बात करें इसके फीचर्स की, तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 4K रेजोल्यूशन के साथ 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हो, 10 मीटर वाटर में भी जा सकता है, और हाँ दोस्तों, इसमें आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी फीचर्स है जो कि मैं आगे भी और भी आपको बताने वाला हूँ। बॉक्स के राइट साइड में देखें तो इसके अंदर हमें काफ़ी एसेसरीज मिलता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, और यहाँ पे आपको HDMI भी सपोर्ट करता है। बॉक्स को टर्न करें तो बॉक्स के बैक साइड में इन्फॉर्मेशन दिया है कि यहाँ पे आपको GoPro डाउनलोड करना पड़ेगा पर स्मार्टफोन पे, और ये अवेलेबल है दोनों iOS पे, जो कि है एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये एक स्पेशल बंडल है, तो यहाँ पे काफी सारे एसेसरीज इंक्लूडेड होके मिलते हैं, जैसे कि GoPro का शॉर्ट टी, एक बैटरी और 32 GB का माइक्रो SD कार्ड। और यहाँ पे हमें वही फीचर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताया हुआ है जो कि हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा, 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो, और साथ ही में यहाँ पे 10K पी रेजोल्यूशन के साथ 240 FPS पे भी फोटो शूट कर सकते हो, स्लो मोशन। यहाँ पे ये अंडर वाटर 10 मीटर्स पे जाता है, आप इसे नॉइज से भी कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही में इसका जो स्क्रीन दिया हुआ है वो टच स्क्रीन है, यहाँ पे आप 8x तक स्लो मोशन कर सकते हो। साथ ही में इसमें GPS सपोर्ट करता है, HDR मोड है, इसमें एक न्यू फीचर है जो कि हाइपर स्मूथ, और साथ ही में यहाँ पे आपको मिलता है लाइव स्ट्रीमिंग। तो दोस्तों, ये काफी जबरदस्त GoPro है अभी तक का, और सबसे बेस्ट GoPro है विथ इन द वर्ल्ड। तो फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और ओपन करने के लिए बॉक्स के नीचे के साइड जो स्ट्रिप दिया हुआ है उसे आपको खींचना है, और खींचने के बाद ये आपका बॉक्स हो जाता है ओपन, जो कि काफी ईजी है बॉक्स ओपनिंग करने में। और जैसे आप इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ इस बॉक्स में से हमारा GoPro, और साथ में इसका जो एसेसरीज है इसी जो वाइट बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा GoPro 7 Black जो माउंटेड है ऊपर की तरफ, इसे निकालना बहुत ही ईजी है। इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त किया हुआ है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। तो दोस्तों, चलिए निकालते हैं इस माउंट को इस बॉक्स के ऊपर से, अपना GoPro Hero 7। अब मैं इस स्क्रू को, इसे लूज़ करना है सबसे पहले, और ये लूज़ होने के बाद आप क्या करोगे, तो इस स्क्रू को हम लोग ने निकाल दिए हैं, और ये आपका जो GoPro Hero 7 है वो बाहर आ चुका है। अब हमें निकालना है ये शू माउंटेड बकल को, तो काफ़ी इजी है ये भी। इसे ऊपर की तरफ पुश करना है, पुश करने के बाद जो नीचे के शू माउंट है उसको दोनों हैंड से दबाना, दोनों फिंगर से दबाना और पुश करना आउटसाइड में, तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, काफ़ी ईजी है और ये बाहर आ चुका है। अब बात करते हैं हम बॉक्स कंटेंट की, तो बॉक्स के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी सारे एसेसरीज मिले। तो बॉक्स ओपन करते हैं, और बॉक्स ओपन होते ही सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलता है एक बुकलेट, जिसके ऊपर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए कि ऐप्स हमें अवेलेबल है एप्पल स्टोर पे और गूगल प्ले स्टोर पे, ऊपर का जो केस है उसे किस तरीके से निकालना है और किस तरीके से बैटरी डालना है। उसके बाद बहुत सारा हैव क्वेश्चंस, GoPro के स्टिकर्स, और ये इसका बुकलेट है कि हाउ टू यूज़, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, अगर आपको रीड करना हो तो आप ज़रूर कर लेना। उसके बाद इस बॉक्स के नीचे साइड में अगर आप देखो तो काफ़ी एसेसरीज रखा हुआ है, इसे भी हम लोग निकालते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को मिलता है माइक्रो USB टू USB Type-C का चार्जिंग केबल कॉर्ड, साथ ही में यहाँ पे आपको मिलेगा 32 GB का माइक्रो SD कार्ड, वो भी एडेप्टर के साथ। साथ ही इस बॉक्स में आपको मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पेशल बंडल है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पे बॉक्स में आपको मिलता है GoPro का बैटरी, ये एक एक्स्ट्रा बैटरी है, तो ये है 1300 mAh की बैटरी एक, और जैसे कि मैंने कहा था स्पेशल बंडल, तो यहाँ पे हमें और एक बैटरी मिला है, तो दो बैटरी है हमारे पास, और एक बैटरी ऑलमोस्ट 3 आवर्स का वीडियो शूटिंग कर सकता है। ये दोनों बैटरी हो गए। और बॉक्स के अंदर देखे तो यहाँ पे एक कफ टाइप वाला शू माउंट मिलता है और गोप्रो का शॉर्टी मिलता है। शॉर्टी मतलब ये आप इसे सेल्फी स्टिक समझ सकते हो। ये व्लॉगिंग के लिए काफ़ी ज़बरदस्त आइटम है और यहाँ पे आप इसे ट्राइपॉड की तरह बना सकते हो। तो गाइस, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, हमें इस स्पेशल बंडल GoPro Hero 7 Black में हमें इतने सारे एसेसरीज मिलते हैं कि यार बता नहीं सकते, और ये काफ़ी कम कीमत में मिला है। इसका जो प्राइस है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगा। हालाँकि इस वीडियो के लिए इसी बात पर आप लाइक कर देना, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब बटन को दबा के ग्रे कर दे, और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना। सो गाइस, अब हम बात करेंगे हमारे एक्शन कैमरा की, जो कि है GoPro Hero 7 Black। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस फ्रंट में देख रहे हो, काफी जबरदस्त डिजाइन है और यहाँ पे GoPro लिखा हुआ है, और इसका कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल का और थोड़ा सा पॉप आउट है। इसके जो केस है उसे पहले हम बाहर निकालेंगे, और केस निकालना काफी इजी है। ऊपर की तरफ से आपको पुश करना है बाहर की तरफ, और ये इस तरीके से बाहर आ जाता है, और यहाँ पे आपको बाहर इसका केस निकालना है और यहाँ से आपको पुश करना है। मेक श्योर कि आप प्रॉपरली पुश करो, वरना कैमरा भी अटक सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आराम से काफ़ी इजीली आपको बाहर निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा केस नया है तो इसके लिए टाइट होगा। तो ये आ गया इस केस से बाहर। तो ये एक्चुअली जो केस है वो आपको माउंटिंग करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल करता है, और वैसे तो ये डिवाइस डायरेक्टली ही वाटरप्रूफ है, तो आपको कोई केस एडिशनल केस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीन दिया हुआ है, जो कि टच स्क्रीन नहीं है, ये एक नॉर्मल स्क्रीन है, जहाँ पे आपको बस इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आप कौन से वीडियो रेजोल्यूशन पे शूट कर रहे हो, या फिर आप पिक ले रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, ओके। और इसी के बगल में आप देख सकते हो कि 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल का कैमरा है, और यहाँ पे नीचे की तरफ GoPro का ब्रांडिंग है। इस एक्शन कैमरा के राइट साइड में देखें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको ब्लैक 7 का ब्रांडिंग मिलता है, और नीचे की तरफ एक कंपार्टमेंट मिलता है, और यहाँ पे एक LED मिलती है, और इस कंपार्टमेंट को कैसे ओपन किया जाता है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। बैक साइड में देखें तो यहाँ पे आपको TFT टच स्क्रीन का डिस्प्ले मिलता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको लाइट इंडिकेटर मिलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे GoPro की ब्रांडिंग दी हुई है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे वापस से टर्न करते तो यहाँ पे आपको एक सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक मिलता है, साथ ही में नीचे की तरफ आपको ऑन ऑफ बटन और साथ ही में मोड बटन मिलता है। वो कैसे वर्क करता है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको और एक माइक होल मिलता है, साथ ही में उसके बगल में आपको मिलता है एक शटर बटन, जिसे आप वीडियो शूट करने के लिए प्रेस करना पड़ता है, या फिर फोटो खींचने के लिए भी प्रेस करना पड़ता है। डिवाइस के नीचे के साइड में देखिए तो यहाँ पे आपको स्पीकर मिलता है, और यहाँ पे एक LED लाइट इंडिकेटर मिलता है। ये है बैटरी कंपार्टमेंट, इसे ओपन करने के लिए काफ़ी ईजी है। इसे ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, बस आपको इसे प्रेस करके पुश करना है बाहर के साइड में, और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, और इसे हम निकाल नहीं सकते। और अब हम इसके अंदर डालेंगे बैटरी डालने के लिए काफ़ी इजी है, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट पुटअप करना और इससे पुश कर देना है। तो ये आप जैसे ही पुश करोगे क्लिक का सा बटन आ जाएगा, और इसे निकालने के लिए आपको बस इसे पकड़ के खींचना है, तो आपका बैटरी बाहर आ जाएगा। तो ये काफ़ी इजी है बैटरी इनपुट और आउटपुट करना। तो अब हम बैटरी इसमें लगा चुके हैं, और अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे 32 GB का micro SD कार्ड, जो कि स्कैन डिस्क का है, और एक स्पेशल बंडल के साथ में आया है। इसे भी इनपुट कर दिया हम लोग ने काफ़ी ईजीली है। बंद करते हैं इसका बैटरी कंपार्टमेंट। तो इसे क्या करना है, इसे पुश करना है, काफ़ी अच्छे तरीके से पुश करना है नीचे की तरफ और अंदर की तरफ पुश कर देना है। तो दो साइड से आपको पुश करना पड़ता है। आप देख सकते हो कि ये बंद हो चुका है। अब यहाँ पे जो कंपार्टमेंट है उसे ओपन करने के लिए सेम तरीका है, उसे प्रेस करना है और बाहर की तरफ पुश करना है, और इसे बंद करना भी उसी की तरह जिसे आप बैटरी कंपार्टमेंट बंद करते हो। यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट मिलता है, और साथ ही में माइक्रो USB Type-C का पोर्ट मिलता है। सो गाइस, बैटरी भी डाल चुका हूँ, micro SD कार्ड 32 GB वाला भी डाल चुका हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। तो जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हो, ये है GoPro Hero 7 Black, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है CHDHB701। यहाँ पे आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि शूट करता है 4K रेजोल्यूशन पे वीडियोस, और यहाँ पे आपको क्वालिटी मिलती है 60 fps की। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि 1080p, 2.7K, और बाकी सारे फ्रेम रेट्स भी काफ़ी हाई है, जो कि 240 तक जाता है। यहाँ पे आप 3 तरीके से वीडियो शूट कर सकते हो। एक वाइड एंगल, सुपर व्यू एंगल और एक लीनियर एंगल। यहाँ पे जो एक्सपेक्ट रेशो मिलेगा वीडियो शूटिंग के लिए वो 6:9 रेशो का रहेगा, 4:3 रेशो का रहेगा और लूपिंग मोड भी मिलता है। इस GoPro Hero 7 Black में आप टाइम लैप्स भी ले सकते हो, टाइम रैप भी ले सकते हो, नाइट लैप्स फोटोज भी ले सकते हो, टच जूम कर सकते हो, टाइम लैप्स फोटोज भी ले सकते हो। यानी कि इसमें काफी सारे फीचर्स है टाइम लैप्स को लेके। उसी तरह आपको यहाँ पे काफी सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, ऑटो अपलोड टू द क्लाउड, स्मार्ट रिमोट, HDMI आउटपुट और USB Type-C। ऑडियोज के फीचर्स की बात करें तो हमें एक्सटर्नल माइक लेना पड़ेगा ऑडियो 3.5 यूज करने के लिए। यहाँ पे जो आपको चिपसेट मिलता है वो है GP1 का। और यहाँ पे इसका सबसे मेन हाईलाइट फीचर है वो है हाइपर स्मूथ वीडियो स्टेबलाइजेशन, जो कि काफी जबरदस्त है और आप कितना भी कैमरा हिलाओगे वो स्टेबलाइज रहेगा आपका वीडियो काफी जबरदस्त तक। हालांकि 1.0 है इसका वर्जन, लेकिन काफी जबरदस्त और अच्छा वीडियो शूट कर देगा। यहाँ पे आप इस कैमरा से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। साथ ही में ये वाटरप्रूफ है और रगेट है, जो कि 10 मीटर्स तक अंडर वाटर जा सकता है। इसे आप कंट्रोल कर सकते हो आपके वॉइस से, जैसे कि आप अगर बोलोगे वेकअप तो ये वेकअप हो जाएगा, कैप्चर वीडियोस तो कैप्चर करेगा। जो भी फॉर्मेट में आप इसको सेटअप करोगे वो इस हिसाब से सेटअप करेगा। यहाँ पे आप इसे फोटो टाइमर्स भी लगा सकते हो, क्विक स्टोरीज भी अनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आपको बैटरी मिलता है 1300 mAh की और यहाँ पे आप 8x स्लो मोशंस भी ले सकते हो, मतलब कि आप जो भी वीडियो बनाओगे काफ़ी स्लो रिकॉर्ड होगा और इसमें काफ़ी ज़बरदस्त सुपर फोटोज़ भी आ सकते हैं। सो गाइज, ये था कुछ इसके टेक स्पेक्स। तो अब हम करते इसे ऑन और पैर करते अपने स्मार्टफोन से GoPro ऐप के थ्रू। सो गाइज, ऑन हो गया है हमारा GoPro Hero 7 Black और आप यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको आपका लैंग्वेज ऑप्शन, सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। तो आप सिलेक्ट कर लो जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछता है कि क्या आपको GoPro की सब सारी शर्तें मंजूर है, तो जी हाँ, ये एग्री। उसके बाद यहाँ पे GPS पूछता है तो उसको नो कर दीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी बैटरी खाता है। जब आपको ज़रूरत हो तभी ऑन कर लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्मार्टफोन से कनेक्ट करेंगे GoPro 7 ब्लैक का जो ऐप है GoPro का, उससे। और यहाँ पे जैसे ऐप चालू होता है यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन आएगा कि फाइंड माय कैमरा। सो हमें हमारा कैमरा सर्च करना है और जैसे कि यहाँ पे गेट योर्स तो क्लिक करोगे उसी के ऊपर गेट योर्स। तो यहाँ पे कुछ आपको पूछा जाएगा कि GPS ऑन करो, ब्लूटूथ ऑन करो एंड बाकी सारे। जैसे ये फिनिश हो जाएंगे वैसे ही आपको आपका GoPro Hero 7 ब्लैक आपके स्क्रीन के ऊपर उसके कोड के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन कनेक्ट ना हो कुछ इस तरीके से तो यहाँ पे आप मोर में सेटिंग करके GoPro Hero 7 Black सिलेक्ट करके आप वापस से सर्च कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मेरा स्मार्टफोन वापस से इसे कनेक्ट करके सर्च करके कनेक्ट कर लेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग को फाइंड हो गया है हमारा GoPro Hero 7 Black और अब यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे और ये जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी ईजी फटाफट कनेक्ट हो चुका है हमारे स्मार्टफोन से। यहाँ पे अगर आप चाहो तो आपका नेम भी चेंज कर सकते हो कि आपके GoPro का एग्री, डिसएग्री एंड ऑल सब पूछ रहे हैं वहाँ पे। ओके 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 एंड सब सेटिंग्स ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे GoPro को परमिशन दे दीजिए कि आप कुछ भी वीडियो या फ़ोटो शूट करोगे कि आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। बैक जाते हैं और ट्राई करते हैं इसे कंट्रोल करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऑप्शन है जिसे आप अपने GoPro Hero 7 Black को कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कनेक्ट टू माई GoPro और जैसे कि आप लोग ने देखा कि ऐप को कनेक्ट करना अपने GoPro Hero 7 Black से काफ़ी इजी है क्या नहीं, क्या बोलते हो? इस गो ऐप के थ्रू हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं GoPro का। एनीवेज, फिलहाल रखते हैं फ़ोन को साइड में और आप बात करते इस GoPro Hero 7 Black के फीचर्स के बारे में, जहाँ पे जो हमें यूज़र इंटरफेरेंस मिलता है उसे कैसे ऑपरेट किया जाए उसके बारे में। यहाँ पे हमें 3 मोड मिलता है। पहला है टाइम लैप्स, वीडियो और फोटो मोड। मेन स्क्रीन पे ऊपर से नीचे आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे और साथ ही में प्रेफरेंस का ऑप्शंस मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है कनेक्टिविटी, जनरल, वॉइस कंट्रोल, टच, रीजनल, अबाउट और रीसेट की सेटिंग्स भी यहाँ पे मिल जाती है। उसी के अंदर अगर आप कनेक्टिविटी को देखें तो जैसे कि यहाँ पे वायरलेस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है। जनरल में भी वॉल्यूम, डिफॉल्ट, ऑटो पावर ऑन ऑफ, LED, टाइम, डेट, ये सब सेटिंग कर सकते हो जनरल्स में। उसके बाद यहाँ पे वॉइस कंट्रोल मतलब कि आप यहाँ पे वॉइस कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हो, वेकअप बैकअप विद वॉइस यस नो। आप लैंग्वेज भी सेटअप कर सकते हो कि उस लैंग्वेज के हिसाब से आपका GoPro Hero 7 Black को आप वॉइस कंट्रोल कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे हैं जैसे कि रीजनल इनपुट आउटपुट और ये काफी सारे चीजें हैं जहाँ पे आपको सेट कर सकते हो। और टच डिस्प्ले का भी ऑप्शन है जहाँ पे लैंडस्केप मोड, ऑन ऑफ, स्क्रीन सेवर, ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हो कम ज्यादा करके। उसी तरह काफी चीजें हैं और ये ब्राइटनेस सेवर से काफी अच्छी बात है कि आपकी जो बैटरी लाइफ है उसे सेव कर सकते हो काफी अच्छे से। ये हो गया प्रेफरेंस की बात है। अब आ जाते हैं मेन स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको नीचे से ऊपर स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको गैलरी मिल जाएगी जहाँ पे अपने सारे फोटोज और वीडियोज जो भी रिकॉर्ड किए हो जो भी फॉर्मेट में वहाँ पे आपको सभी गैलरीज में आपके वीडियोज और फोटोज मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप मेन स्क्रीन से लेफ्ट स्वाइप करोगे तो आप फोटोज में जा सकते हो और अगर राइट करोगे तो आप वीडियोज या फिर किसी भी मोड्स में जा सकते हो काफी इजीली। मजे की बात यहाँ पे ये भी है कि ये लैंडस्केप में भी वीडियोस और फोटोज लेता है जिससे आप अपना टिकटॉक के वीडियोस भी बना सकते हो काफी इजीली। सो ये है ऑटो रोटेट। अब यहाँ पे वीडियो की सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फुल एक्सपेक्ट रेशियोज में हम लोग यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कि क्या एक्सपेक्ट रेशियो के हिसाब से हम लोग फोटो लेने चाहते हैं क्या नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2K, 4K इवन 1080p के ऊपर भी यहाँ पे वीडियो शूट कर सकते हो। हाइपर स्मूथ स्टेबिलिटी भी काफी अवेलेबल है पर 240 फ्रेम्स के अंदर आपको हाइपर स्मूथ नहीं मिलेगा ना 120 में मिलेगा, बट एक अपडेट आने के बाद आपको 120 में भी आप हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन का फीचर मिलेगा। यहाँ पे FOV की बात करें मतलब कि फील्ड ऑफ व्यू, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलता है जो कि एक लीनियर, उसके बाद आता है वाइड और उसके बाद आता है सुपर व्यू मोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन में कि काफी वाइड हो चुका है सुपर व्यू में। वाइड में एक हल्का सा वाइड होता है और लीनियर आप देख सकते हो कि ज्यादा वाइड नहीं है। ओके, तो ये तीन ऑप्शन मिलता है। उसके बाद लो लाइटिंग का भी ऑप्शन मिलता है बट उसके लिए आपको 1080p पे रेजोल्यूशन रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप प्रोट्यून भी कर सकते हो और स्टेबलाइजेशन का ऑटो कर सकते हो। तो ये सारे प्रोट्यून के ऑप्शंस थे जिसके ऊपर काफी अलग अलग सेटिंग्स पे अलग अलग प्रोट्यून्स यूज कर सकते हो आपके हिसाब से, आपके व्यू एंगल के हिसाब से, ठीक है। तो ये इतने सारे सेटिंग्स हमें मिलते हैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए इस GoPro Hero 7 Black में। जाते हैं फोटोज मोड के ऑप्शन में तो यहाँ पे भी हमें काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि वाइड, लीनियर मोड, उसके बाद यहाँ पे HDR, नॉन HDR करने के लिए भी ऑटो HDR भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप फोटोज को भी एनहांस कर सकते हो प्रोटून एक्टिवेट करके। तो यहाँ पे भी हमें काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं फोटोज के सेटिंग्स को लेके। उसी तरह टाइम लैप्स की सेटिंग्स को देखा जाए तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे सेटिंग्स मिलते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन मिलता है दो तरीके का, एक है 1440 का और 2.7K का। उसी के साथ यहाँ पे आपको फील्ड ऑफ व्यू जो देखने मिलता है वो सिर्फ वाइड एंगल और स्पीड आप यहाँ पे टाइम रैप है जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं 2x, 5x, 30x, 15x। सो ये है एक स्पीड अप मोड जहाँ पे आपको स्टेबलाइज भी मिलेगा साथ ही में, और ये है टाइम रैप मोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको और भी मोड्स मिलते हैं जैसे कि टाइम रैप वीडियो, टाइम लैप वीडियो, टाइम लैप फोटोज, नाइट लैप। तो ये कुछ चार मोड मिलते हैं यहाँ पे और इसे हम काफी अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। उसी तरह फोटोज में भी आपको मिलता है तीन मोड जैसे कि बर्स्ट मोड, फोटो मोड और नाइट मोड। तो यहाँ पे हमें इस GoPro Hero 7 Black में 3 मोड्स मिलते हैं और उसके अंदर भी काफी सारे मोड्स और उसके अंदर काफी सारे सेटिंग्स मिलते हैं जो हमें यूज करने के लिए आएगा ब्लॉगिंग्स के लिए और काफी सारे एक्शंस मोड को रिकॉर्ड करने के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पे लगाता हूँ GoPro Shorty जिससे मैं आपको बताऊंगा कि GoPro Shorty का क्या यूज है। और जैसे कि आप अभी देख सकते हो मैंने GoPro Shorty लगा चुका हूँ इस केस के अंदर। इस केस के अंदर पहले हम लोग ने GoPro डाल दिया, उसके बाद ये हम यहाँ पे Shorty अरेंज कर देते हैं इस तरीके से, पुटअप कर केस स्क्रू लगा दीजिए और ये Shorty रेडी हो गया। सो इसे आप इस Shorty को यूज कर सकते हो ब्लॉगिंग के लिए, साथ ही में इसे एक्सटेंड कर सकते हो और ये ट्राइपॉड भी बना सकते हो, कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। सो इस तरीके से ये GoPro Hero 7 Black हम लोग यूज करेंगे आगे के व्लॉगिंग्स के लिए। सो गाइस देखने में ये काफी छोटा है, काफी एक्शन है और काफी जबरदस्त है GoPro। तो दोस्तों ये था इस GoPro Hero 7 Black का हाईलाइट फीचर्स और जो भी एसेसरीज हमें इसके साथ मिला था उसके बारे में आपको सारी चीज़ें अनबॉक्सिंग के साथ बता चुका हूँ। और अब आप जो देख रहे हो ये है कुछ सैंपल शॉट्स जो मैंने इस GoPro Hero 7 Black से लिया है। हर एक तरीके से एक नाइट मोड, एक डे मोड और वो चीज़ें आप देखो, उसके बाद इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। तो दोस्तों ये है GoPro Hero 7 Black, जिससे अभी तक आप लोगों ने शॉर्ट्स देखा। काफ़ी ज़बरदस्त पिक्चर क्लिक्स आए, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो आ जाए, 4K रेजोल्यूशन 60fps पे वीडियोस भी ले सकता है। और इसके अंदर जो आपको मिलता है हाइपर स्मूथ 1.0, जो कि काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से आपको ना एक्सटर्नल गिम्बल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे दोस्तों ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी छोटा है और काफ़ी टफ है, काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो आपको कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर तक दे सकता है। और साथ ही में जो इसमें आपको हाइपर स्मूथ का फीचर मिला है वो एक नंबर है, काफ़ी मक्खन जैसा वीडियो बनाता है। चाहे आप रन करो, चाहे आप भागो दौड़ो स्विम करो, ये काफ़ी ज़बरदस्त तक आपका जो वीडियो है स्टेबलाइज करके रखेगा। और GoPro Hero 7 Black आप स्विमिंग के टाइम पे 10 मीटर तक अंडर वाटर लेके जा सकते हो, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये GoPro Hero 7 Black काफ़ी ज़बरदस्त पसंद आया होगा। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। और दोस्तों अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन दबा देना, कि ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसी तरह आपको नए नए टेक्नोलॉजीज के वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।